हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सस्यागल केम छ सारू छ। मैं शशांक आपका अपने चैनल ट्रिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के, जो कि एक ऐसा मंदिर है जिसके जो बहुत ही पाषाण काल से है, जहां पर पाषाण काल शिवलिंग भी है और भगवान शिव के दर्शन भी कर सकते हैं आप। भगवान शिव को ही समर्पित ये मंदिर है और एक विशेषता इसकी बहुत मुख्य है कि यहाँ पर जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश ने राक्षसों का अंत किया था वह त्रिशूल आज भी वहां पर रखा हुआ है। वह त्रिशूल जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश ने राक्षसों का अंत किया था आज भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन पाषाण काल का त्रिशूल है। और उसकी क्या विशेषता है और उस वो हम आपको सब दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन कीजिए और उस त्रिशूल को देखिए जो बहुत ही पाषाण काल से वहां पर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ट्रिप ट्यूशन हिंदी में। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तरकाशी में, जो उत्तराखंड की उत्तरकाशी है। यह कलयुग का स्वर्ग भी कहा गया है और इसके अंदर दो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का और एक त्रिशूल जहां पर रखा गया है। मंदिर प्रांगण में जो दो मंदिर आप देख रहे हैं, यहां पर त्रिशूल रखा गया है और जो सामने जो मंदिर आपको दिखा दे रहा है वह काशी विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग का मंदिर है। और इस शिवलिंग की क्या विशेषता है वो भी बताएंगे, उससे पहले आपको त्रिशूल के बारे में बताते हैं। यह वह त्रिशूल है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश ने राक्षसों का अंत करके यहाँ रखा था। इस त्रिशूल की ऊंचाई 19.5 फीट है और इस त्रिशूल को बल लगाने पर नहीं हिलाया जा सकता। यदि कोई प्रेम भाव से इसको एक कनिका उंगली से भी हिलाए तो यह हिलने लगता है। इसी बात से इसकी शक्ति का पता चलता है और पता चलता है कि इसके अंदर दैविक शक्ति है। उस चीज को देखने के लिए ही श्रद्धालु यहाँ ज्यादा आते हैं। और ये त्रिशूल जो 19.5 फीट ऊंचा है, एक मेटल का बना हुआ है और देखने से लगता है काफी प्राचीन है। श्रद्धालु इसके दर्शन करने कर लेने मात्र से ही अपने आप को पवित्र होना मानते हैं और काफी श्रद्धालु यहाँ आकर इसको हिला के देखते हैं और नमन करते हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। दूसरे मंदिर की विशेषता इससे भी कहीं बढ़ चढ़कर है। यह दूसरा मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसका स्कंद पुराण के केदार खंड में पूर्णतः विवरण बताया गया है। यह मंदिर के अंदर 56 इंच ऊंचा शिवलिंग है जो दक्षिण दिशा की ऊपर तरफ झुका हुआ है। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिन दंपति को संतान नहीं है यदि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर अपने हाथों पर मिट्टी का दिया जलाएं तो उनको भी संतान हो जाती है। ऐसा बहुत दंपति के साथ हुआ है, यहाँ पर दिया जलाने के बाद उनको संतान हो गई है। और इस मंदिर को स्कंद पुराण में यही बताया गया है कि कलयुग में एक दिन यही काशी बन जाएगा और यहीं पर सभी देवी देवता निवास करेंगे, क्योंकि यह हिमालय में है और केदारनाथ के पास भी है। मंदिर पूरी तरह पर्वतीय मंदिरों के आकार पर बना हुआ है, बड़ी बड़ी शिलाओं से, और देखने से लगता है कि जैसे केदारनाथ का मंदिर है। और मंदिर के पीछे एक निकास द्वार बना हुआ है। बाकी मंदिर प्रांगण में और भी दो छोटे मंदिर हैं, वह भी आप देख सकते हैं। तो यही थी इस मंदिर की विशेषता। और इसी तरह की छुपी हुई चीजें आप हमारे माध्यम से देखते रहिए, हम आपको इसी तरह दर्शन कराते रहेंगे। हिमालय में बहुत कुछ छुपा है हमारी संस्कृति को लेकर, तो वो सब हम सब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।